हेलो एवरीवन, रश्मि है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ हैश ब्राउन। तो आज मैं दो तरीके के हैश ब्राउन बनाऊंगी, एक ही बस और दूसरा प्लेन। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं दो बड़े साइज़ के आलू, जिनको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। उसके बाद उसके मैं छोटे छोटे टुकड़े काट लूँगी। तो आप चाहें तो छोटे आलू भी ले सकते हैं, उनको आपको धो लेना है और उनका छिलका अच्छी तरीके से निकाल देना है। अब मैं इनको बराबर टुकड़ों में काट लूँगी। तो इनके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हमारे दोनों आलू कट चुके हैं, इनको मैं निकालूंगी खाली बोल में। तो खाली बोल में निकालने के बाद इनको अच्छी तरीके से हमें धो लेना है। तो इनको धो लेने से इनका स्टार्च अच्छी तरीके से निकल जाएगा। जब हमारे स्टार्च अच्छी तरीके से निकल जाएगा तब हमारे हैश ब्राउन बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो हमें इनका स्टार्च निकालने के लिए इनको 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। तो मैंने अपने आलू को अच्छी तरीके से धो लिया है। तो मैंने 3-4 बार अच्छी तरीके से आलूओं को धो लिया है। तो अब इनका पानी निकाल देंगे। मैं स्ट्रेनर से इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल दूंगी। आप चाहें तो इसको कपड़े से भी इसका पानी निकाल सकते हैं। हमें इन आलू को थोड़ी देर रेस्ट करने छोड़ देना जिससे इनका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। अब मैंने पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया ऑलिव ऑयल, आप इसकी जगह कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें डाल दूंगी अपने कटे हुए आलू। तो इन आलूओं को हमें थोड़ा पका लेना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो इनको धीमे धीमे चलाते हुए पकने देना है। तो इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, आप स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। आप चाहें तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक और काली मिर्च पाउडर। लेंगे कि आलू हमारे पक गए हैं कि नहीं, आप दोनों हाथों से दबा के देख लें। तो अब मेरे आलू पक चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी एक बोल में। अब इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया। आप इसके साथ 1 चम्मच ऑल पर्पज़ फ्लावर भी ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अब आलू हमारा ठंडा हो गया, मैं हाथों से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब थोड़ा सा पोर्शन मैंने ले लिया है, जिसको मैं अच्छी तरीके हाथों से दबाकर एक रेक्टेंगल शेप दे रही हूँ। तो आप चाहे तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो सर्कल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर शेप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रेक्टेंगल। तो फ्रेंड्स देखिए, दोनों हाथों की सहायता से मैंने अच्छी तरीके से इसको एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया है। तो बन गया ना हमारे एकदम जैसे हैश ब्राउन। तो बस बना लेते हैं फटाफट। और तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आज बनाने वाली हूँ दो तरीके के हैश ब्राउन, एक चीज बर्स्ट। तो अब बना लेते हैं फटाफट चीज बर्स्ट हैश ब्राउन। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा पोर्शन। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने ग्रेट किए हुए चीज़। तो चीज़ में मैंने थोड़ा सा गार्लिक भी मिला लिया है क्रश करके। तो अब मैं इसके बीच में रख दूंगी अपनी ग्रेट की हुई चीज़। तो मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ ली है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं। अब इसको ऊपर से अच्छी तरीके से दूसरे आलू से कवर कर देंगे। तो अब ठीक वैसे ही हम बना लेंगे शेप जैसे मैंने पहले बनाया था। सभी साइड्स को अच्छी तरीके से कवर कर देंगे और इसके कॉर्नर्स को भी राउंड कर देंगे। तो बस तैयार हो गया है हमारा हैश ब्राउन। तो आप सेक लेते हैं। तो पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब धीमे धीमे इन सभी हैश ब्राउन को मैं सेक लूँगी। दोनों साइड की गोल्डन ब्राउन होने पे इनको मैं बाहर निकालूंगी। तो अब बस मैं सारे हैश ब्राउन को इस पैन में फैला दूँगी। इनको अब धीमी धीमी आँच पर सिकने दें जिससे कि अंदर तक बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे और हमारी चीज़ भी अंदर मेल्ट हो जाएगी।
तो बस आप सेक लेते हैं फटाफट दोनों साइड। तो एक साइड मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो मैंने उसको टॉस कर दिया है, और दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो जाए इसका मैं वेट कर रही हूँ। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इनको बाहर निकालूँगी। तो हमारे क्रिस्पी चीज़ बर्स हैश ब्राउन रेडी हो गए हैं, तो आप देख लेते हैं इनको अंदर से कि ये कैसे बने हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर एक हैश ब्राउन, तो आप देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, और इसके अंदर की चीज़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।